राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर, आप देख रहे हैं एक खेती जानकारी यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शिमला मिर्च के पौधों पर पीलापन कैसे हटाएं और पतली मिर्च के पौधों को पीलापन कैसे हटाएं और पीलापन किन कारणों से शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च के पौधों पर आता है। इस वीडियो में हम बारी बारी से बात करने वाले हैं, परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन किसान भाइयों ने शिमला मिर्च की खेती तथा पतली मिर्च की खेती कर रखी है वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक अवश्य कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का उन्हें नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो किसान भाइयों, बात कर रहे हैं शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में पीलापन हटाने की बारी की बात। तो किसान भाइयों, अगर हमारे शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में पीलापन दो कारणों से देखा जाता है। पहली कारण है कि शिमला मिर्च में पीलापन जो ब्लाइट है उसके कारण तथा पतली मिर्च में पीलापन ब्लाइट के कारण भी देखा जाता है। जो हमारी शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च की जो पत्तियां हैं निचले पौधे की वो पीली पड़ जाती हैं और वह पीली पड़कर उन पर कुछ धब्बे बन जाते हैं, उसके बाद जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ के गिर जाती हैं। किसान भैया, इसके कारण भी पीलापन देखने को मिलता है। तो इसका पीलापन दूर करने के लिए आप फफूंदी नाशक दवा का अपने शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च पर स्प्रे कर सकते हैं। किसान मित्रों, दूसरे कारण की जब हम बात करें तो मैग्नीशियम की कमी के कारण भी हमारे शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च के पौधों पर पीलापन दिखाई देता है। तो इस पीलापन को दूर करने के लिए हमें मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और साथ में अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड दोनों को मिलाकर अगर अपनी शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च में आप किसी जैम के साथ मिलाकर बखेर सकते हैं। किसान मित्रों, इसे आप पानी लगाने से पहले या पानी लगाने के बाद बखेरते हैं तो इसका रिजल्ट आपको देखने को बहुत अच्छा मिलता है। इसका रिजल्ट आपको 8वें दिन किसान मित्रों जो आपके शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च के पौधों पर जो पीलापन है वो दूर हो जाता है, जो मैग्नीशियम की कमी के कारण है। किसान मित्रों, यह जो दवाएँ दो मैंने बताई उनका प्रयोग अगर आप अपने अगर एनपीके लगा रहे हैं तो एनपीके के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। आप एनपीके जाके 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, साथ में आप मैग्नीशियम 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड तीनों को मिलाकर अगर पानी लगाने से पहले और या पानी लगाने के बाद जब आपके खेत में चिपचिपापन हो उस समय प्रयोग करते हैं तो आपके जो शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च के पौधों से पीलापन ख़त्म हो जाता है। ये 8 से 10 दिन में आपका जो शिमला मिर्च तथा पतली मिर्च से पीलापन पौधों से ख़त्म हो जाता है। तो किसान भाई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से मिर्च से संबंधित तथा शिमला मिर्च की खेती से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।